Hello, welcome to Evidencing Academy. We are discussing permutation now, and permutation के बारे में पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग काम करता है, कब एंड लगाते हैं और कब और लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, हालांकि उस पर मुझे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन ये रूल जो है वो हमेशा चलता रहेगा, पूरी परमुटेशन में, पूरी कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में चलता रहेगा। तो जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो उस रूल के हिसाब से हम बीच में आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्यों यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्यों यहाँ प्लस किया, और तब आपको कंफर्म आउट हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उसमें एक और कंसेप्ट की बात करेंगे और उस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस करेंगे। ये कंसेप्ट क्या है? यूजुअली बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि कब फैक्टोरियल लगाएं और कब फैक्टोरियल ना लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि इन चीजों को अरेंज करने के 5 तरीके हैं, और कई बार कहते हैं कि इसको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके। बच्चों को यूजुअली समझ नहीं आता कि कब फैक्टोरियल लगाए और कब फैक्टोरियल ना लगाए, और इस कंफ्यूजन में उनके आंसर गलत हो जाते हैं। कई बार जहां 5 लगाना था सिर्फ 5 वेज हो सकता है, वहां 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जहां 5 फैक्टोरियल होना चाहिए वहां सिर्फ 5 लिखते हैं और 5 की जगह पर 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं। हम आज कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कब फैक्टोरियल लगाएं और कब फैक्टोरियल ना लगाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमने कहा कि ये एक चेयर है, किसी कमरे में जाएं और वहां एक चेयर है, एक ही चेयर है और चार लोग आगे बैठने वाले, कौन बैठेगा? कोई एक ही बैठेगा, चारों में से कोई एक ही बैठेगा। चेयर एक है, बैठने वाले चार लोग हैं, 4 पीपल आर देयर वेटिंग फॉर सिटिंग अ चेयर, एंड ओनली वन चेयर इज वैकेंट, इन दैट वे एनी वन आउट ऑफ द 4 कैन सिट देयर। चारों में से कोई एक वहां बैठ सकता है, इसलिए उस चेयर को भरने के 4 तरीके होंगे। आप इस बात के एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, मेट्रो में आप चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक सीट खाली होती है, जैसे एक खाली होती है, 4 लोग लपकते हैं उधर बैठने के लिए। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, वो अपना बैग रख देते हैं, कोई रुमाल रख देता है, कोई तौलिया रख देता है, ताकि दूसरा जल्दी से लोग उसमें ना बैठे। लोग जगह छेकने की कोशिश करते हैं इस सब तरकीब के जरिए, और अपना बैग रख देता है, 4 लोग लपकते हैं, कोई एक ही बैठ पाता है, जगह ही खाली हुई है और बैठने वाले 4 लोग हैं, 4 लोगों का दिल कर रहा है कि हम वहां बैठ जाएं, लेकिन बैठ कौन पाता है? कोई। तो 4 लोग उम्मीदवार हैं, एक्सपीरियंस हैं, 4 एक्सपीरियंस हैं, और जगह कितनी है? 1 है। इस प्रकार से उस जगह को भरने के, उस जगह को ऑक्यूपाई करने के, द प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, नॉट 4 फैक्टोरियल। या तो जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्शन का टाइम है, आप समझते हैं यूपी में इलेक्शन हो रहा है, 4 पार्टी के उम्मीदवार हैं और चारों के चीफ मिनिस्टर अपने अपने बनाना चाहते हैं, बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, 4 पार्टियां लड़ रही है और सब चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की एक चेयर है वो हमारे हाथ में हो। अब 4 पार्टियों में से किसी एक ही का आदमी तो चीफ मिनिस्टर होगा, एक से ज्यादा चीफ मिनिस्टर तो हो नहीं सकते, है ना? तो इस तरीके से सिर्फ उसी एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और चारों पार्टियां बेशक उम्मीदवार हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। मतलब अभी तक क्या सीखे बच्चों? ये सीखे कि जगह एक हो और उम्मीदवार 4 लोग हों, ऑप्शन 4 हों, बैठने वाले वहां 4 लोग हों, एक्सपीरियंस 4 लोग हों, तो उसको अरेंज करने का 4 तरीके होंगे, न कि 4 फैक्टोरियल। जगह है, बैठने वाले 4, तो 4 तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा सोचे, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप किसी कमरे में गए और जहां पर बस में गए, बस में चढ़े, यूजुअली आप जब चढ़ते हैं देखें चार जगह खाली है, आप क्या सोचते हैं किस पे बैठूं? ठीक है, चारों में से किसी पर भी बैठ सकते हैं, 4 सीटें खाली हैं, आप किसी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप जो है वो वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति में कई बार होते हैं, आप चारों में से किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं। तो बैठने के लिए 4 सीट खाली है, बैठने वाला 1 है, वो भी चाहे तो इस सीट पे बैठे, चाहे इस सीट
सीट पे बैठेगा तो उसके बैठने के भी चार तरीके होंगे। यानी यहां पर बैठने वाला एक, जगह चार। पिछले क्वेश्चन में बैठने वाले चार, जगह एक, दोनों ही स्थिति में चार ही तरीके होंगे। पहले चार एस्पिरेंट कौन था? एस्पिरेंट चार लोग थे, चार विद्वान थे जो एक कुर्सी पे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। चार एस्पिरेंट हैं, चार डिफरेंट पार्टियों के जो वहां बैठना चाहते हैं। चार पार्टियां हैं जो उम्मीदवारी लगाई हुई है कि मेरा चीफ मिनिस्टर हो, मेरा चीफ मिनिस्टर हो, मेरा चीफ मिनिस्टर हो। जगह एक है, उम्मीदवार चार हैं। अब दूसरे केस में क्या है? आदमी एक है, कुर्सियां चार खाली हैं और कुर्सियां उम्मीदवार हो गई। जगह क्या हो गया? आदमी क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी हो गया। कुर्सियां इंतजार कर रही हैं कि कौन मेरे पे आएगा, बैठेगा। चार कुर्सियां खाली है, कोई एक आदमी आया तो चारों में से किसी पर भी बैठ सकता है। ठीक है, चारों कुर्सियां इंतजार कर रही है, कोई आए मेरे पर बैठे, और चार कुर्सियां खाली है, उम्मीदवार एक है, तो चार तरीके होंगे। वो आदमी कहीं भी चारों कुर्सियों में से किसी एक पर बैठ सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से चार कुर्सियां जगह एक और चार उम्मीदवार एक कुर्सी, दोनों ही स्थिति में फोर वर्सेस वन है और इसके चार ही तरीके होंगे। चार से ज्यादा नहीं, चार से कम नहीं, ये सिर्फ चार तरीके होंगे। चार लोग हैं और उनको अरेंज करने के फोर तरीके होंगे, चार तरीके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फोर वर्सेज वन फोर फैक्टोरियल होगा, फोर वेज होगा, सॉरी फोर फैक्टोरियल नहीं होगा, फोर वेज होगा। चार लोग, एक कुर्सी, एक आदमी, चार कुर्सी, तो चार तरीके ही होंगे। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि चार लोग हैं और चार कुर्सियां हैं, तब क्या होगा? चार लोग हैं और चार कुर्सियां हैं, तो आपने सीखा था पहले, पहला आदमी कितने तरीके से बैठेगा? चार तरीके से बैठेगा जी। दूसरा आदमी आएगा तो कितनी कुर्सियां खाली रहेगी? तीन। बैठेगा कितने तरीके से? तीनों में से किसी एक पर बैठ जाएगा, यानी तीन तरीके। तीसरा आदमी आएगा, कितनी कुर्सियां खाली रह गई? दो। उसको बैठने कितने अवसर हैं? दो। दोनों में से किसी एक पर बैठ जाएगा। और चौथा आदमी आएगा तो कितनी कुर्सियां खाली रहेगी? एक। उसको बैठने कितने अवसर हैं? एक। बैठना चारों को है, पहले को भी तथा दूसरे को भी तथा तीसरे को भी तथा चौथे को भी। तथा आ गया तो क्या करेंगे? सभी अरेंजमेंट को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले को भी बैठना है एंड दूसरे को भी बैठना है एंड तीसरे को भी बैठना है एंड चौथे को भी बैठना है, तो कुल अरेंजमेंट कितनी हो गई? 4 × 3 × 2 × 1, इसका अर्थ हुआ 4 फैक्टोरियल। यही बात हमने पहले क्लास में बताई थी कि जब n वस्तुएं हो उसको किसी पंक्ति में n विभिन्न वस्तुओं को n फैक्टोरियल तरीके से सजाया जा सकता है। चार आदमी को किसी पंक्ति में चार फैक्टोरियल तरीके से सजाया जा सकता है। चार आदमी, चार जगह, चार फैक्टोरियल। पांच आदमी, पांच जगह, 5 फैक्टोरियल। 6 पर्सन, 6 प्लेस, 6 फैक्टोरियल। मीन्स इफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर सेम तो फैक्टोरियल लगेगा, अदरवाइज फैक्टोरियल नहीं लगेगा। 3 पर्सन कैन सीट एट 3 प्लेस इन 3 फैक्टोरियल पेज। 4 पर्सन कैन सीट इन ए रो इन 4 फैक्टोरियल पेज। बिकॉज 4 पर्सन कैन सीट इन ए रो, रो मीन्स दे विल ऑक्युपाई ओनली 4 प्लेसेज। इफ देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेज आर मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन, या आदमी से ज्यादा प्लेसेज हो या प्लेसेज से ज्यादा आदमी हो, तब फैक्टोरियल तब भी नहीं लगेगा। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब नंबर ऑफ आदमी और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या हो? सेम। कोई भी एक बड़ा होगा, एक कम होगा, फैक्टोरियल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा? जैसे समझने लगते हैं कि 5 आदमी है और 3 कुर्सियां है, तो पहला आदमी कितने तरीके से बैठेगा? 5 आदमी ये है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चेयर है मान ले, और बैठने वाले हैं 3 लोग। पहला आदमी आएगा, कितने तरीके से बैठेगा, किस पर बैठेगा? 5 कुर्सी खाली है, किस पर बैठेगा? ये कोई नहीं बता सकता किस पर बैठेगा, ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो 5ों में से किसी एक पर बैठ जाएगा।
यानी उसके बैठने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? तो पांच ऑप्शन अवेलेबल हैं। फाइव वेज आर देयर इन विच ही कैन सीट एट एनी वन ऑफ द पोजीशन। सो फर्स्ट पर्सन कैन सीट इन फाइव वेज। पहला आदमी फर्स्ट पर्सन कैन सीट इन फाइव वेज। पर्सन कैन सीट इन फाइव वेज। सेकेंड पर्सन आएगा तो कितना चेयर खाली रहेगा? फोर। मान लो मैं किसी पे ऑक्यूपाई कर लिया तो चार कुर्सी खाली रहेगी, तो कितने तरीके से बैठेगा? फोर में से किसी एक को ऑप्ट कर लेगा, फोर वेज। एंड थर्ड पर्सन कैन सीट इन हाउ मेनी वेज? थ्री वेज। बैठना तीन आदमी को है, कुर्सियां है फाइव, बैठना इनको भी है, इनको भी है एंड इनको भी है। एंड का सेंस आ रहा है कि और का सेंस आ रहा है? यहाँ पे तीनों को बैठना है कि तीनों में से किसी एक को बैठना है? या तो राम को बैठना है, या मोहन को बैठना है, या सोहन को बैठना है, कि राम मोहन और सोहन तीनों को बैठना है। अगर तीनों को बैठना है तो क्या करना चाहिए? एंड आया, क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए कि प्लस करना चाहिए? एंड का मतलब क्या सिखाया हमने? मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो राम श्याम और मोहन तीनों ही बैठना चाहते हैं। पहला आदमी बैठना चाहता है एंड दूसरा भी बैठना चाहता है एंड तीसरा भी बैठना चाहता है। चूंकि तीनों को बैठना है तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 × 3 यानी कितना हो गया? 60 वेज, राइट? सो 5 × 4 × 3 दैट इज 60 वेज। एंड 60 वेज हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज हो गया 60। यानी तब भी हमें ये फैक्टोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम इसके दूसरे कंसेप्ट भी सिखाएंगे आपको, लेकिन पहले हम बिना मैथमेटिक्स के एक कॉमन आईक्यू आपका डेवलप करना चाहते हैं, एक कॉमन परसेप्शन डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए ये बात आपको बताई जा रही है कि पहला आदमी, पांच कुर्सियां हैं, तीन लोग बैठने वाले हैं, पहला आदमी आएगा, पांचों में से किसी एक पर बैठ जाएगा। यानी पहले पोस्ट को भर, पहली कुर्सी को भरने के लिए कितने तरीके हो गए? पांच। दूसरी कुर्सी पर जब दूसरा आदमी आएगा तो उसको बैठने के लिए कितने तरीके की कुर्सियां बची हुई है? चार। तो चारों में से किसी एक पर बैठेगा, यानी दूसरे आदमी के बैठने के तरीके हो गए चार। तीसरा आदमी जब आएगा तो उसको बैठने के कितने तरीके हो गए? तीन। तो तीनों को बैठना है, पहले को भी एंड दूसरे को भी एंड तीसरे को भी। चूंकि तीनों को बैठना है इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 × 3 दैट इज 60 वेज। तो इसका दूसरा सिचुएशन भी आप समझ सकते हैं कि कुर्सियां पांच ना होकर के कुर्सियां हैं तीन और बैठने वाले हैं पांच, तब क्या होगा? बैठने वाले लोग हैं पांच और कुर्सियां हैं सिर्फ तीन। अब उम्मीदवार बदल गए, स्पिरिट बदल गए, ये भी सी डी ई पांच लोग बैठने वाले हैं, पहली कुर्सी को भरने के कितने तरीके हो गए? अब कुर्सियां प्राइम हो गई, बैठने वाले लोग सेकेंडरी हो गए। तो अब पहली कुर्सी को भरने के लिए कौन हो सकता है? जैसे वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का पोस्ट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट पांचों में से कोई एक आ सकता है, ये कौन हो गया? पहला। जनरली आप देखते होंगे जो टीवी पे शो आते हैं, रियलिटी शो, उसमें क्या होता है, आखिरी में पांच लोग होते हैं, एक आदमी होता है जो क्या होता है, चुना जाता है सेकेंड रनर अप। सेकेंड रनर अप चुनने के तरीके हो गए, पांचों में से कोई एक चुना गया वो सेकेंड रनर अप हो सकता है। उसके बाद बचे हुए चार में से कोई फर्स्ट रनर अप होगा, वो चार तरीके से। यानी जगह को भरने की, इस कुर्सी को भरने के पांच तरीके, इस कुर्सी को भरने के लिए चार तरीके। अब कितने लोग बच गए? तीन लोग। जैसे ही सिलेक्शन होती है कि ये सेकेंड रनर अप है, ये आदमी उठ के यहां से उधर चला जाता है। ये फर्स्ट रनर अप है, वो आदमी अपना रिएक्शन दिखाता है किसी का और वो भी कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तीन लोग बैठे हैं, उनकी धड़कनें तेज, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, कौन सा इसमें से फर्स्ट रन विनर होगा, सांसें सबकी अटकी हुई। तीन लोग हैं और उनको सिलेक्ट होने के लिए कौन से तरीके हो, कितने तरीके से विनर सिलेक्ट किया जाएगा? तीनों में से कोई एक यानी तीन। तभी ये होगा 5 × 4 × 3 यानी तभी क्या होगा, ये 60 वेज ही होगा। तो चाहे 5 vs 3 हो या 3 vs 5 हो, पांच कुर्सियां तीन उम्मीदवार, तीन कुर्सियां पांच उम्मीदवार बैठने वाले, हर हालत में फैक्टोरियल तो कम से कम नहीं लगेगा, ये होगा 5 × 4 × 3। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों
किसको करना है, क्योंकि तीन लोगों को बैठना है, तीनों को एक साथ बैठना है, तीनों की अलाइनमेंट एक साथ चाहिए। और जब चीजों को एक साथ अरेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये समझ में आपको आ गया होगा इस डिस्कशन से कि हम फैक्टोरियल कब लगाएंगे और फैक्टोरियल कब नहीं लगाएंगे। फैक्टोरियल कब लगाएंगे, जब जितनी वस्तुएं हैं उतने ही अरेंजमेंट करने उतनी ही जगह है तो फैक्टोरियल लगाएंगे। पांच लोग पांच चीजों को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं 5 फैक्टोरियल। चार आदमी एक पंक्ति पे कितने तरीके से, चार सीट है उसमें कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लाइक दैट। अब इस पे कुछ और सवाल करते हैं जिससे आपको पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और यहां से कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड from the digits 2, 3, 4, 7, 8. Pahla, if a repetition of digits are allowed, and second, if repetition of digits are not allowed, ठीक है, दो केस हो गए। इसको समझते हैं। 3 डिजिट नंबर हमें बनानी है, 3 डिजिट नंबर, right? 3 डिजिट नंबर we have to make, and in every 3 digit number, let us write a solution. First case, if repetition of digit of digits are allowed, if repetition of digits are allowed, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये जो होगा, ये 3 डिजिट का है। एक कहलाता है यूनिट प्लेस, दूसरा कहलाता है टेंस प्लेस, और तीसरा कहलाता है 100 प्लेस। Unit place, tens place, 100 place. Repetition of digits are allowed means one digit can appear at more than one places. तो unit place, tens place और 100 place, इस place को arrange करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने उम्मीदवार हैं? ये 100 place एक post है, 100 place एक vacancy है, 100 place एक जगह है जहां पर उम्मीदवार है। कौन कौन बैठना चाहता है, 100 place जाना चाहता है? 2, 3, 4, 7, 8, 5 digits are there, 5 उम्मीदवार हैं, जगह एक है, इस जगह को भरने कितने तरीके हो गए, 5, ठीक है, 5 उम्मीदवार, जगह एक, तो यहाँ पे भरने के तरीके हो गए 5। अब यहाँ पे tens place को भरने कितने तरीके होंगे, जो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका वो दोबारा इस्तेमाल होने के लायक है, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ अलाउड कह रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पांचों में से कोई आ सकता है 5 तरीके, यहाँ पर भी पांचों में से कोई आ सकता है 5 तरीके। 3 डिजिट नंबर बनानी है मतलब यूनिट प्लेस को भी अरेंज करना है, टेंस प्लेस को भी अरेंज करना है, और 100 प्लेस को भी अरेंज करना है। तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस तीनों ही प्लेस को अरेंज करने के लिए, क्योंकि तीनों ही को साथ में अरेंज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कितने नंबर बन सकते हैं, 125। दूसरा केस अगर मैं इसमें लूं कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, digits are not allowed, then what will happen? In that case, यहाँ पे unit place, tens place और 100 place, ये है 100 place, ये है tens place, ये है unit place, तो ऐसी स्थिति में इस जगह को arrange करने के कितने तरीके होंगे, 5। अब repetition allowed नहीं है, जो एक बार इस्तेमाल हो गया वो दोबारा इस्तेमाल के
तो उसको आप छोड़ दीजिए, तो आपको बचे हुए फोर में से कोई एक यहाँ पे जगह है, उम्मीदवार फोर क्या होगा, फोर फैक्टर होगा नहीं, फोर वेज होगा, फोर एक जगह वन वर्सेज फोर और फोर वर्सेज वन, हर स्थिति में क्या होगा फोर वेज होगा। तो इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फोर वेज। दो इस्तेमाल हो गए, थ्री डिजिट बचे हुए हैं, उनको कितने तरीके से यहाँ पे थ्री में से कोई एक सिलेक्ट किया जा सकता है, थ्री वेज। यानी ऐसी स्थिति में आंसर हो गया 60। तो 60 नंबर बन सकते हैं, 60 नंबर बन सकते हैं थ्री डिजिट का, जब रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है और जब रिप्रेजेंटेशन अलाउड है तो 125 बन सकते हैं। इससे अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें नंबर 222 भी हो सकता है, 333 भी हो सकता है, 334 भी हो सकता है, 343 भी हो सकता है, इन सब नंबरों को मिला के 125 नंबर इनसे बन सकते हैं। और अगर डिजिट रिपीट ना हो, हर एक डिजिट सिर्फ और सिर्फ एक बार आए, तो ऐसी स्थिति में नंबर ये बन सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि हाउ मेनी, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म विथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 with digits this if first, यहां भी नोटिस बनाते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन आर ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, डिजिट्स आर अलाउड एंड सेकेंड Not allowed. कैसे करो? तो ऐसे सॉल्यूशन को भी करने के लिए आपको देखना होगा पहला सॉल्यूशन। अब यहां पे करते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यहां पे थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो आपको थ्री प्लेस तो चाहिए, यूनिट प्लेस, हंड्रेड प्लेस। चूंकि थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे सिर्फ इवन डिजिट होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। लेकिन यहाँ 8 है नहीं, इसमें यहाँ पे 0 भी नहीं है, 2, 4 और 6 जो है वो तीन एलिजिबल उम्मीदवार हैं, तीन एलिजिबल एस्पिरेंट्स हैं जो यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर आपको बनाना है। इवन नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसको 2 से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। तो यूनिट प्लेस पे ऐसे तीन नंबर हो सकते हैं, तो ये दिए गए जो नंबर हैं हमारे उनमें से तीन उम्मीदवार इसमें ऐसे हो सकते हैं, योग्य उम्मीदवार हैं जो यूनिट प्लेस पर आने के लायक। तो इस एकांक को अरेंज करने के तीन तरीके हो गए। बाकी जगह कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन डिजिट्स हैं, उन सेवन में से कोई भी यहाँ आ सकता है, उन सेवन में से कोई भी यहाँ आ सकता है, और 7 × 7 = 49, 49 × 3 = 147, so 147 तरीके हो सकते हैं, right? Total 147 तरीके हो सकते हैं जिन तरीकों से इन जगहों पे नंबरों को अरेंज किया जा सकता है। तो 147 तरीके से तीन डिजिट के इवन नंबर इनके बनाए जा सकते हैं, जिसमें डिजिट्स अलाउड है, रिप्रेजेंटेशन अलाउड है, रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए ये जगह दोनों सेम ही सेम है, 7 और 7। यहाँ पे क्यों नहीं सेम है, क्योंकि आपको एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इवन नंबर बनानी है, इवन नंबर कैन बी फॉर्म इफ एंड ओनली एट यूनिट प्लेस 2, 4 और 6 विल बी देयर। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का अगर सॉल्व करें तो उसमें क्या होगा, जब रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है तब भी यहाँ पे इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3। अब आपके पास टोटल डिजिट है 7, 7 में से एक आपने यहाँ इस्तेमाल कर दिया तो आपके पास कितने बच गए, 6। तो इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 6। इस जगह को अरेंज करने का कितने तरीके हो गए, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, 2 इस्तेमाल हो गए, आउट ऑफ दिस 3, आउट ऑफ दिस
90 नंबर बन सकते हैं जब रिपुटेशन अलाउड नहीं है, और जब रिपुटेशन अलाउड है तो 147 इवन नंबर बन सकते हैं। सारे नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है इवन नंबर बनानी है, इवन नंबर तभी बनेगा जब यहाँ पे इवन डिजिट होगा। जो नंबर दिया गया है उसमें से 2, 4 और 6 की उम्मीदवारी इवन नंबर के लायक है। यही 3 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, बाकी नंबर यहाँ नहीं आ सकता। बचे हुए नंबर्स में क्या करना है? ये 3 नंबर में से कोई एक यहाँ आ सकता है, जो बचे हुए 7 नंबर हैं, उनमें से कोई एक यहाँ आ सकता है। तो इस जगह को भरने के 7 तरीके हैं, इस जगह को भरने के भी 7 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। कोई सोचता होगा इसको क्यों पहले भरा, इसको क्यों नहीं भरा, या इसको पहले क्यों, इसको क्यों नहीं पहले, किसी को पहले किसी को बाद में करो, 7x7 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यूनिट प्लेस को पहले क्यों भरा। तो यूनिट प्लेस को इसलिए भरा कि यूनिट प्लेस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, और जब रिस्ट्रिक्शन होगी तो उस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को पहले भरते। जो भी प्लेस रिस्ट्रिक्टेड होगी उसको हम सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद उन प्लेस को भरेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा अगर 2 प्लेस रिस्ट्रिक्टेड हो तो क्या करेंगे? तो दोनों में से 2 काम आपको जरूरी होती है, आप क्या करते हो, कौन सा काम पहले करते हो? जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी होगी रिस्ट्रिक्शन, जो सबसे ज्यादा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, उसको पहले करेंगे। जो उससे कम रिस्ट्रिक्टेड होगा उसको थोड़ी बाद में करेंगे, और जो एकदम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उसको सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, तो ये चर्चा होगी कि अगर 2 रिस्ट्रिक्टेड होगी तो रिस्ट्रिक्टेड क्या हो सकती है, इसकी चर्चा हम करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर यहाँ समझ में आ गया तो आपको आगे भी समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए यहाँ पे पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। हर एक 3 डिजिट नंबर में 3 ही प्लेस होते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। जब तक यूनिट प्लेस को सिर्फ भर दे तो क्या हमें 3 डिजिट नंबर मिलेगा? नहीं। टेंस प्लेस को सिर्फ भर दे तो मिलेगा? नहीं। वी हैव टू फिल यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एज वेल एज 100 प्लेस। अनलेस यू फिल ऑल दिस 3 प्लेस टुगेदर यू कैन नॉट फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर। इसलिए हमने यहां देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ 5 नंबर दिए थे, 5 डिजिट थे, उनमें से किसी एक को यहाँ रख सकते हैं, किसी उस 5 में से किसी एक को यहाँ भी रख सकते हैं, उस 5 में से किसी एक को यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट अलाउड है। इस तरह से 125 हो गया। यहाँ रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं थी तो यूनिट पर 100 प्लेस को 5 तरीके से, इसको 4, इसको 3। कोई सोचता कि हम पहले हम यूनिट प्लेस भरेंगे, भर लो भाई, यहाँ पे 5 तरीके, यहाँ पे 4 तरीके, यहाँ पे 3 तरीके, तब भी प्रोडक्ट क्या रहता? सेम ही रहता, प्रोडक्ट बदलता नहीं। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ गए कि हमें कब फैक्टोरियल लगाना है, कब फैक्टोरियल नहीं लगाना है। ठीक है, और फैक्टोरियल का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है जो आगे नहीं होगा, आप समझ में आएगा। आई एम श्योर आप ये बात समझ गए होंगे। इस पे कुछ और चर्चा होगी अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।